प्यारे बच्चों आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम कक्षा आठ का बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर बारह करने वाले हैं चैप्टर नंबर बारह घर्षण कौन सा चैप्टर बच्चों बारवा चैप्टर घर्षण इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे देखिए बच्चों प्रश्न नंबर एक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए घर्षण एक दूसरे से के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच स्थान का विरोध करता है तो इसमें बच्चों क्या बरेंगे इसमें हम भर देंगे गति गति का विरोध करता है तो पहले में क्या आ जाएगा गति आ जाएगा दूसरा देखिए घर्षण पृष्ठों के स्थान पर निर्भर करता है घर्षण पृष्ठों के स्थान पर निर्भर करता है चिकनेपन पर तो दूसरे में क्या आ जाएगा चिकनेपन पर निर्भर करता है घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होती है क्या उत्पन्न होती है बच्चों गय में क्या भरेंगे आप गय में भरेंगे उष्मा क्या उत्पन्न होती है उष्मा और गए देखिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है इसमें क्या आ जाएगा कम अब सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खाली स्थान होता है सर्पी जो घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है तो ये सर्पी घर्षण वो होता है जिस तरह से सांप चलता है बच्चों और सांप चल यानी किसी भी वस्तु को ऐसे सर्पिलाकार में चलाने पर जो घर्षण लगता है उसे सर्पी घर्षण कहा जाता है चार बच्चों को लौटने की स्थैतिक स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है सही व्याख्या का चयन के लिए लौटनिक स्थितिक सर्पी लोटनिक सर्पी स्थैतिक और स्थैतिक सर्पी लोटनिक और सर्पी स्थैतिक लोटनिक तो इसमें छाटिए वाला सही रहेगा क्योंकि स्थैतिक सबसे कम होता उसके बाद सरपी उसके बाद लोटनिक सबसे लास्ट में आएगा आलिदा अपनी खि खे, अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श से संगमरमर के गीले फरश से फर्श पर बिछे समाचार पत्थर और तोलिए पर चलाती है कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ते बढ़ते कर में कैसे होगा इसे लगाइए तो बच्चों देखिए ऑप्शन दिए दे गए हैं चार संगमरमर का गीला फरश संगमरमर का सूखा फर्श समाचार पत्थर तोलिया तो किस तरीके से हम इसको लगाएंगे चार ऑप्शन में से आंसर आएगा हमारा कै संगमरमर का गीला फरश पहले आएगा फिर सूखा फरश आएगा फिर समाचार पत्थर आएगा फिर तोलिया आएगा मान लीजिए कि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए घर्षण बल ऊपर की दिशा में लगता है पुस्तक नीचे गिरेगी तो घर्षण बल ऊपर की दिशा में लगता है क्योंकि ये उलट लगता हमेशा मान लीजिए में साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट उलट जाए इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन अपने उत्तर का कारण बताइए हम जानते हैं कि चलने में सुगमता के लिए एक सीमा तक घर्षण होना वांछनीय है साबुन का पानी गिरने से गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाता है क्योंकि इस अवस्था में चिकने साबुन के पानी की पतली परत बन जाती है इस प्रकार अनियमितताओं का अंत अंतबंधन काफ़ी सीमा तक कम हो जाता है जिससे चलने में कठिनाई अनुभव होती है प्रश्न नंबर छः खिलाड़ी कीलदार जूते अथवा स्पाइक्स क्यों पहनते हैं व्याख्या कीजिए कीलदार जूतों की फर्श पर पकड़ मजबूत होती है और वे फिसलने से बचाते हैं इसलिए खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं प्रश्न नंबर सात है इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों हम जानते कि दाब बढ़ने से घर्षण बल भी बढ़ जाता है सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटिका हल्की पेटिका से अधिक दाब डालती है पर सनाहट देखिए बच्चों व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वस्तु और धरती की सतह के बीच उन दोनों के पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण अधिक होगा परंतु जब वस्तु गति की अवस्था में होती है तो अनियमितताओं को एक दूसरे में धसने का अधिक अवसर नहीं मिलता है जिससे घर्षण कम होता है इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है प्रश्न नंबर नौ वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है घर्षण एक अनिवार्य हानिकारक बल है क्योंकि यह शत्रु भी है और मित्र भी है यह एक मित्र है क्योंकि यह सहायता करता है किसमें सहायता करता है चलने में मोटर और मशीन चलाने में ब्रेक लगाने में यह एक शत्रु है क्योंकि क्यों है बच्चों यह टूट फूट का उत्तरदायी है उष्मा के रूप में ऊर्जा व्यय होती है मशीन की कार्यक्षमता कम करता है मशीनों के पुर्जों को स्नेहक लगाने से काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं घिसने से बचाने के लिए स्नेहक लगाया जाता है अथवा ग्रीस लगाया जाता है बच्चों प्रश्न नंबर दस वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है तो बच्चों तरल अथवा पानी में गति करने वाली जो वस्तुएं होती हैं जैसे जहाज़ होता है उसकी आकृति मछली के आकार की बनाई जाती है ऐसा क्यों तरल में गति कर रही वस्तु को उस पर लगे घर्षण बल को पार करने में ऊर्जा की गति अक्स्थिति होती है इस ऊर्जा की अक्षति को रोकने और सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी अभी विशेष आकृति वाली आकृतें वाली वस्तुएं बनाई जाती है इसी तरह बच्चों वायु में चलने वाले जहाज भी मछली की आकृति के होते हैं या पक्षी की आकृति के होते हैं तो बच्चों ये थी आपके इस लेसन की क्वेश्चन आंसर की वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें